चलिए क्वेश्चन नंबर टू देखिए अभी सब लोग। जगन एंड मगन कैरीड ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप एंड शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द कैपिटल रेशियो। क्या बोला है? प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द कैपिटल रेशियो, राइट। तो अभी देखिए ये क्रेडिट साइड में ना उनका कैपिटल दिया है। देखिए जगन का कैपिटल कितना है 30,000 और मगन का कैपिटल कितना है 20,000, राइट। तो अगर ये 30 में और 20 में से मैं जीरो निकाल देता हूँ तो क्या बचता है 3:2। क्या बचता है 3:2। तो इसका मतलब इसका रेशियो कितना हुआ 3:2। इज इट क्लियर? ये 3:2 हम लोग ने निकाला फाइंड आउट करके, क्वेश्चन में नहीं दिया है। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही बोला है, कौन सा रेशियो बोला है उसने? कैपिटल रेशियो। कौन सा रेशियो बोला है? कैपिटल रेशियो। और कैपिटल रेशियो कैसे निकाला, क्लियर है ना? इसका कैपिटल 30,000 था, इसका कैपिटल 20,000 था। 30 और 20 में से जीरो हटा दिया तो क्या रेशियो बना उसका 3:2। एनी डाउट? ओके, अभी हम लोग ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहला है ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहला क्या है? ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक किस में जाता है? इंक्रीज और डिक्रीज। किस में जाता है? इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टॉक में जाता है ना। इसके लिए मैंने वहाँ पे क्या मार्किंग किया है? I/D, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है? सैलरी एंड वेजेस। नेक्स्ट क्या है? सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस कहाँ पे जाएगा? पर्सोनल में जाएगा। किस में जाएगा? पर्सोनल। तो उसके ऊपर क्या मार्किंग किया हमने? पर्सोनल एक्सपेंस। क्या मार्किंग किया है? पर्सोनल एक्सपेंस। कैश इन हैंड किस में जाएगा? कैश इन हैंड किस में जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। परचेस, परचेस में जाएगा। ओके, ऑफिस एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। फिर प्रोडक्टिव वेजेस इज ऑल्सो पर्सोनल एक्सपेंस, राइट। बिल्स रिसीवेबल डेटर्स में जाता है। किस में जाता है? डेटर्स में। लीगल एक्सपेंस एडमिनिस्ट्रेटिव। बैड डेब्ट्स इज सेलिंग एक्सपेंस। बैड डेब्ट्स क्या है? सेलिंग एक्सपेंस। वर्क्स मैनेजर का सैलरी पर्सोनल एक्सपेंस। कमीशन इज सेलिंग एक्सपेंस। कमीशन क्या है? सेलिंग एक्सपेंस। इन्वेस्टमेंट किस में जाएगा? इन्वेस्टमेंट में। डेटर्स, डेटर्स में। पेटेंट्स इज इनटेंजिबल एसेट। पेटेंट्स क्या है? इनटेंजिबल एसेट। लूज टूल्स इज इन्वेंट्री। लूज टूल्स इज इन्वेंट्री। फर्नीचर फिक्स्ड एसेट। गुडविल ऑल्सो इनटेंजिबल एसेट। गुडविल कौन सा एसेट है? इनटेंजिबल। फिर लैंड एंड बिल्डिंग इज फिक्स्ड एसेट्स। ओके, तो ये डेबिट साइड का पूरा बाइफरकेशन हो गया, राइट। कुछ डाउट है किसी को? नाउ कमिंग टू क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या है? सेल्स। सेल्स किस में जाएगा? नेट टर्नओवर में। सेल्स किस में जाएगा? नेट टर्नओवर। कमीशन इज अदर इनकम। कमीशन क्या है? अदर इनकम। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स में जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ओके, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो अदर इनकम, राइट। और कैपिटल किस में जाएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन में। दोनों भी कैपिटल किस में जाएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन में। क्लियर है? ओके, नाउ कमिंग टू द एडजस्टमेंट। एडिशनल इन्फॉर्मेशन। स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2018 वॉज वैल्यूड एट कॉस्ट 20,000 एंड मार्केट वैल्यू 22,500। तो हम लोग क्या करते हैं? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस लिखते ना। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक में हम लोग कितना लिखेंगे? 20,000। क्लोजिंग स्टॉक में कितना लिखेंगे? 20,000। ओके, फिर डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 7.5। तो लैंड एंड बिल्डिंग पे ना एक मार्किंग किया हुआ है। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग पे एक मार्किंग किया हुआ है ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन है ना उस पर, इसके लिए, राइट। फिर जगन हैज विड्रॉन गुड्स वर्थ ₹600 फॉर हिज पर्सनल यूज। तो इसका एक इफेक्ट है ना परचेस पे आता है। किस पे आता है? परचेस पे। तो एक मार्किंग परचेस पे किया है और दूसरा इफेक्ट जगन में जाएगा। किस में जाएगा? जगन में। तो एक मार्किंग जगन पे किया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? ₹225 राइट ऑफ एस बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स डेटर्स में से माइनस होता है ना, तो एक मार्किंग डेटर्स पे करना है और एक मार्किंग है ना ये बैड डेब्ट्स पे भी किया हमने। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस। आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट क्या? ऐड करते हैं ना वेजेस एंड सैलरी में, ऐड करेगी, राइट। तो एक मार्किंग हम लोग ने सैलरी एंड वेजेस पे किया, ठीक है। अभी सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट, राइट। तो ये देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। पहले लायबिलिटी साइड बना दीजिए। क्या लिखेंगे?
स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिख रहा है ना सबको उसमें, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज ऑन 31st March चलिए ये फॉर्मेट याद हो जाएगा कि नहीं, पी से क्या आता है पार्टनर्स फंड, और पार्टनर्स फंड में कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, फिर नंबर टू लायबिलिटी, लायबिलिटी का क्या है अपना फॉर्मूला वो पूरा लिखिए, इसमें शायद मैंने जब पहले बनाया ना तो नहीं लिखा है, अपन जैसे कल के सब में लिखे थे ना वैसे ही लिखिए। एसएससी का क्या आता है बोलिए, पहला हेडिंग क्या है? नहीं नहीं सिक्योर्ड लोन, अपने फॉर्मेट के हिसाब से सिक्योर्ड लोन है ना, तो वही फॉर्मेट पूरा वही सीक्वेंस में लिखिए। आप लोग ने उसमें से देख के लिख दिए, ठीक है चलेगा। नहीं लेकिन क्या है वो कीवर्ड याद रखने के लिए वही फॉर्मेट में लिखेंगे तो अच्छा है। फिर टोटल इसमें भी है ना मिसिंग रहेगा शायद, हाँ एल एल भी मैं लिख देता हूँ इधर, हाँ एक मिनट रुकिए। एल से क्या है बोलिए, लोन्स एंड एडवांसेस, हाँ भी ठीक है। हो गया बैलेंस शीट का पूरा एसेट साइड तक बना लिया, अच्छा हाँ एसेट साइड में दिखा रहा हूँ, चलिए लायबिलिटी साइड बन गया ना सबका, ठीक है। किसी ने सिक्योर्ड लोन नहीं लिखा होगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अभी ये वाला लिखिए पूरा एसेट साइड, देखिए क्या है, एसेट साइड में ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स लेस डेप्रिशिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, फिर नेट फिक्स्ड एसेट्स, आई से इन्वेस्टमेंट, एल से लोन्स एंड एडवांसेस, आई से इन्वेंट्रीज, डी से डेटर्स स्लैश बिल्स रिसीवेबल, और सी से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एनी डाउट? बनाया सबने फॉर्मेट के बाकी है?
ओके अभी एक पेज ब्लैंक रखना, नेक्स्ट वाला पेज प्रॉफिट एंड लॉस के लिए ब्लैंक रखने का, और उसके नेक्स्ट पेज में क्या बनाने का, शेड्यूल टू अकाउंट्स हेडिंग लिखिए, शेड्यूल टू अकाउंट्स। हाँ, एक पेज छोड़ के शेड्यूल टू अकाउंट्स। अरे दिख रहा है ना, वो कम से कम टोटली ब्लैंक था, उससे तो कुछ। शेड्यूल टू अकाउंट्स लिखा, हेडिंग पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस लिखा ना। ओके अब यहाँ पे देखिए, एक मिनट, यहाँ पे मतलब आपके स्क्रीन में देखिए, अपना सबसे पहला क्या है, कंट्रीब्यूशन है ना, क्या है, कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड को शेड्यूल नंबर दीजिए 1। कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड को स्टेटमेंट में देखिए, शेड्यूल नंबर 1 दीजिए, राइट। शेड्यूल नंबर 1 लिखने के बाद यहाँ पे वो शेड्यूल में बनाइए, नंबर 1 क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कंट्रीब्यूशन हेडिंग लिखा ना। अभी देखिए कंट्रीब्यूशन में क्या आता है, कैपिटल। तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन में लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ये डेटा कहाँ से आ रहा है वो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो जगन का कैपिटल कितना है, 30,000। कितना है, 30,000। तो इसको हम लोग लिखेंगे ना, जगन इनर कॉलम में लिखिए 30,000, इनर कॉलम में लिखिए 30,000, ओके। फिर एक लाइन छोड़ेंगे हम लोग किसके लिए, हाँ वो मतलब बाद में लिखेंगे, एक लाइन छोड़ दीजिए, ठीक है। उसमें से अपने को क्या माइनस करना है, ड्राइंग्स एडजस्टमेंट में दिया है, देखिए एडजस्टमेंट में दिया है ना, एडजस्टमेंट नंबर थ्री जगन हैज विड्रॉन गुड्स वर्थ रुपीस 600। तो इसमें लिखिए लेस ड्रॉइंग्स, गुड्स लिखिए उसमें, इसमें हम लोग पहले टर्म में 16 जन बैठते थे, तो हाँ अभी एक जन कोई एब्सेंट भी है, तो भी चलिए ड्राइंग्स माइनस किया ना। और आप लोग डेली लेट आ रहे हैं बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, एक आध दिन मैं मान सकता हूँ बस वगैरह मिस होती है। तो 12:15 से खड़े रहिए, जब आपको पता है कि 12 बजे से खड़े रहने पे भी लेट हो रहा है, तो 12:15 से खड़े रहिए। चलिए ड्राइंग्स माइनस किया ना, राइट। ये आउटर कॉलम का फिगर अभी मत लिखिए, बाद में मिलेगा लास्ट में, राइट। चलिए नेक्स्ट पार्टनर कौन है, बोलिए, मगन का कैपिटल देखिए कितना है, मगन का कैपिटल है 20,000। कितना है, 20,000, उसको भी इनर में रखना है, कहाँ पर रखना है, इनर में, ओके। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ओके। चलिए मगन के लिए जगह छोड़िए खाली, नेट प्रॉफिट के लिए अपने को जगह छोड़ना पड़ेगा। तो ये मेरा पहला हेडिंग कंप्लीट हो गया, कौन सा हेडिंग कंप्लीट हो गया, कंट्रीब्यूशन, ओके फाइन। वापस हम लोग आते हैं इसमें, अभी देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद लाइबिलिटी साइड में नेक्स्ट क्या है, सिक्योर्ड लोन, क्या है, सिक्योर्ड लोन। आप लोगों ने शायद लिखा नहीं होगा, ओके okay? अरे यार, आप लोगों ने शायद लिखा
नहीं होगा वैसे, मतलब अगर लिखा है ना जिसने तो उधर डैश कर दीजिए, क्या करेंगे डैश, क्योंकि सिक्योर्ड लोन क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। ओके, सिक्योर्ड लोन के बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। व्हाट इज द नेक्स्ट हेडिंग? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग को लिखिए नोट नंबर टू। शॉर्ट टर्म बोरोइंग को क्या लिखेंगे? नोट नंबर टू। ओके, अभी शेड्यूल टू अकाउंट्स में आएंगे, क्या बनाएंगे? नंबर टू शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में देखेंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या दिया हुआ है। बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या दिया है? बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? बैंक ओवरड्राफ्ट 5000। तो ये 5000 को लिखेंगे ना उधर, ये 5000 को यहाँ पे लिखना है ना, 5000, हाँ आउटर कॉलम में, ठीक है। और ये एक ही है राइट, एक ही है ना, 5000 लिखा सबने। ओके, अभी ये 5000 को कहाँ लेके जाएंगे बोलिए? स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट में लेके जाएंगे ना। स्टेटमेंट में देखिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग लिखा है ना, उसमें लिखिए नंबर टू, क्या लिखेंगे? नंबर टू कितना आएगा बोलिए? 5000। डन। चलिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग के बाद नेक्स्ट क्या है? क्रेडिटर स्लैश ट्रेड पेबल। क्रेडिटर स्लैश ट्रेड पेबल कितना नोट नंबर आएगा उसके लिए? थ्री। तो सिर्फ नोट नंबर लिखिए यहाँ, थ्री, नोट नंबर थ्री। ओके, क्या करेंगे अभी बोलिए? शेड्यूल बनाएंगे ना। चलिए शेड्यूल लिखिए, शेड्यूल नंबर थ्री, शेड्यूल नंबर थ्री। क्या हेडिंग है उसका? क्रेडिटर्स स्लैश ट्रेड पेबल। क्रेडिटर्स स्लैश ट्रेड पेबल। क्वेश्चन में देखेंगे, ओके क्वेश्चन में क्या अवेलेबल है? क्रेडिटर्स है ना, देखिए यहाँ पे क्रेडिट साइड में है ना, क्रेडिटर्स कितना है? 10000। तो इसको लिखेंगे ना शेड्यूल में, क्रेडिटर्स 10000, क्रेडिटर्स 10000। ओके, आउटर कॉलम में। अभी ट्रायल बैलेंस में एक ही है लेकिन एक एडजस्टमेंट में भी है। यहाँ पे देखिए एडजस्टमेंट नंबर फाइव में है ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस कितना है? 400। कितना है? 400। तो ये भी उसी में जाएगा ना। तो ये शेड्यूल में लिखेंगे क्रेडिटर्स के नीचे आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस कितना है? 400। दोनों का टोटल कितना हुआ बोलिए? 10400। 10400। ये 10400 कहाँ पे जाएगा? स्टेटमेंट में। कहाँ पे जाएगा? स्टेटमेंट में। तो स्टेटमेंट में लिखा है ना 10400, ठीक है। उसके नीचे टोटल हेडिंग लिखा है ना, टोटल। टोटल फिलहाल हम लोग नहीं कर सकते राइट, क्यों नहीं कर सकते बोलिए? क्योंकि अपने को कंट्रीब्यूशन का अमाउंट नहीं मिला है राइट। कंट्रीब्यूशन का अमाउंट कभी मिलेगा? सबसे लास्ट में। एनी डाउट स्टूडेंट्स? यहाँ पे मेरा लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया है। क्या कंप्लीट हो गया? लायबिलिटी साइड। शैल वी प्रोसीड फर्दर? ओके, अभी नेक्स्ट हेडिंग है अपना ग्रॉस फिक्स एसेट्स लेस डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन और नेट फिक्स एसेट्स। क्या है? नेट फिक्स एसेट्स। तो नेट फिक्स एसेट्स को नोट नंबर दीजिए, क्या आएगा? फोर, शेड्यूल नंबर फोर। ओके, अभी एक मिनट देखिए, आपको शेड्यूल नंबर फोर में नेट फिक्स एसेट्स कैसे बनाना है। तो उसमें क्या क्या कॉलम है? एक पर्टिकुलर्स है, एक ग्रॉस है, एक डेप्रिसिएशन है और एक डब्ल्यू डी वी है राइट। तो आप लोग क्या कर सकते हैं बताएं? आपके पास दो कॉलम तो उसमें ऑलरेडी है ना, दो कॉलम ऑलरेडी है ना, तो एक को डेप्रिसिएशन मानेंगे, एक को क्या मानेंगे? डब्ल्यू डी वी। इज दैट क्लियर? सिर्फ ये एक दो आपको एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। क्या एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा? पर्टिकुलर्स और ग्रॉस, पर्टिकुलर्स और ग्रॉस। क्लियर है? मतलब आपको इनफैक्ट एक ही कॉलम बीच में खाली एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। आपको दिख रहा है ना मोबाइल में, पर्टिकुलर्स में, नेट फिक्स एसेट्स में पर्टिकुलर्स और ग्रॉस और डेप्रिसिएशन और डब्ल्यू डी वी।
पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के थोड़ा सा आगे ना ग्रॉस लिख दीजिए, और लाइंस नहीं भी ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा, पर्टिकुलर्स के थोड़ा सा आगे ग्रॉस लिख दीजिए बस। बाकी के दो कॉलम तो आपके पास ऑलरेडी है ना, उसको खाली नाम दे दीजिए। क्या नाम दे देंगे? एक को डेप्रिसिएशन और एक को WDV, एक को डेप्रिसिएशन और एक को WDV। चलिए, एनी डाउट? हो गया, कॉलम्स हो गया नेट फिक्स एसेट्स का। ओके, अभी इसमें ना सबसे पहले इनटेंजिबल लिखते हैं। कौन सा एसेट लिखते हैं? इनटेंजिबल, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में अपने पास नहीं थे ना इनटेंजिबल एसेट, तो हम लोग ने डायरेक्टली लिखा था, लेकिन इसमें अपने पास दो इनटेंजिबल एसेट है, राइट? तो पहला हेडिंग क्या आएगा? इनटेंजिबल। पहला हेडिंग क्या आएगा? इनटेंजिबल। अभी देखिए क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे अपने पास कौन से एसेट को हम लोग ने इनटेंजिबल एसेट्स मार्किंग किया है, राइट? तो यहाँ पे देखिए, ये जो पेटेंट्स है ना, पेटेंट्स को मार्किंग किया है ना, क्या मार्किंग किया है? इनटेंजिबल। क्या मार्किंग किया है? तो ये पेटेंट्स जाएगा ना वहाँ पे शेड्यूल में, इनटेंजिबल लिखा है ना, पेटेंट्स लिखिए और ग्रॉस में लिखिए 4000। पेटेंट्स और ग्रॉस में कितना? 4000, ठीक है। चलिए फिर से क्वेश्चन में देखते हैं, पेटेंट्स के बाद नेक्स्ट क्या दिया है बोलिए? गुडविल। कितना है गुडविल? 6500। ये भी उधर जाएगा ना शेड्यूल में, तो शेड्यूल में आ जाइए और लिखिए गुडविल 6500। एनी डाउट? इनटेंजिबल एसेट लिखे दोनों भी। ओके, इनटेंजिबल के बाद क्या लिखना है? टेंजिबल। क्या लिखना है? टेंजिबल। पहले हेडिंग लिखिए टेंजिबल, हेडिंग लिखिए टेंजिबल। ओके, अभी फिर से हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे टेंजिबल एसेट्स में अपने पास कौन से एसेट अवेलेबल है, राइट? तो ये क्वेश्चन में टेंजिबल एसेट्स हम लोग ने किस पे मार्किंग किया है, राइट? अभी देखिए एक्चुअली ट्रायल बैलेंस वाइज जाएगा तो पहले फर्नीचर आता है। क्या आता है? फर्नीचर। लेकिन हम लोग ने कल डिस्कस किया था ना, पहले क्या आना चाहिए? लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, तो लैंड एंड बिल्डिंग का कितना वैल्यू है? 25। तो इसको शेड्यूल में लिखेंगे ना, लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 25। लैंड एंड बिल्डिंग 25। एनी डाउट? चलिए लैंड एंड बिल्डिंग के बाद क्वेश्चन में फिर देखेंगे नेक्स्ट टेंजिबल एसेट कौन सा है बोलिए? फर्नीचर। कितना है फर्नीचर? 6000। तो ये फर्नीचर भी इधर जाएगा ना शेड्यूल में, फर्नीचर कितना? 6000, ठीक है। ओके, अभी अपने को एडजस्टमेंट में से क्या देखना है? डेप्रिसिएशन। क्या देखना है? डेप्रिसिएशन, राइट? तो डेप्रिसिएशन है ना खाली एक का ही दिया है। किसका दिया है डेप्रिसिएशन? लैंड एंड बिल्डिंग का। देखिए एडजस्टमेंट नंबर टू, डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 7.5। 7.5 का मतलब होता है 7.5। ओके, तो शेड्यूल में हम लोग आते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? ओके, 25,000 पे 7.5% कैलकुलेट करो कितना होता है? 25,000 पे 7.5% कैलकुलेट करो कितना होता है? 1,875। ओके, अभी ये 25,000 में से 1,875 माइनस कर दो, WDV कितना मिलेगा? 23,125, ठीक है ना। बाकी किसी का डेप्रिसिएशन दिया है क्या? नहीं दिया है ना, तो आप डैश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डैश करो या जीरो लिखो, जो भी, राइट? और WDV निकालो। ये 4000 का डेप्रिसिएशन जीरो है तो 4000 ही रहेगा, 6500 का डेप्रिसिएशन जीरो है तो 6500 ही रहेगा। ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, 6000 का डेप्रिसिएशन जीरो है तो 6000 ही रहेगा। ठीक है, ओके। अभी क्या करना है? ग्रॉस कॉलम का टोटल कर दीजिए, डेप्रिसिएशन कॉलम का टोटल कर दीजिए और WDV कॉलम का टोटल कर दीजिए।
ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट एसेट्स के शेड्यूल में किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना। अभी क्या करना है, देखिए ये जो ग्रॉस अपने को मिला ना, ये कहाँ जाएगा, स्टेटमेंट में जाएगा ना, राइट। तो स्टेटमेंट ऑफ ये है, इसमें ग्रॉस फिक्स एसेट्स आएगा कितना आएगा बोलिए, 41,500, राइट। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में जाएगा, डेप्रिसिएशन कितना है यहाँ पे, 1875, स्टेटमेंट में जाएगा ना, 1875, ठीक है। फिर नेट फिक्स एसेट्स कितना है, 39,625, तो वो भी जाएगा ना स्टेटमेंट में, 39,625। स्टूडेंट्स एनी डाउट, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? चलिए अभी स्टेटमेंट में आइए, और नेक्स्ट क्या है बोलिए, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट को क्या नंबर देंगे, 5 आएगा ना, हाँ इन्वेस्टमेंट 5 लिखिए, इन्वेस्टमेंट को नंबर 5 लिखिए, और शेड्यूल टू अकाउंट्स में जाइए और हेडिंग दीजिए 5, लिखा। चलिए क्वेश्चन में देखेंगे अभी, तो क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दिया है ना, यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट कितना वैल्यू है, अरे बोलिए इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है, मैंने कोई स्क्रीन चेंज किया, नहीं हुआ चेंज, वही दिख रहा है, शेड्यूल ही दिख रहा है आपके इसमें, एक एक एक, एक मिनट, शायद स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गया कि क्या, नहीं नहीं यू लॉस्ट योर नेटवर्क कनेक्शन, ट्राइंग टू रिकनेक्ट, नेटवर्क कनेक्शन नहीं। नहीं ठीक है, चलिए आप लोग ने एक काम कीजिए ना, शेड्यूल बनाया ना, हेडिंग लिखा इन्वेस्टमेंट, हाँ उसमें लिखिए इन्वेस्टमेंट 10,000, इन्वेस्टमेंट 10,000, आउटर आउटर इन्वेस्टमेंट 10,000 आउटर कॉलम, ये इसका इंटरनेट, एक हाँ एक मिनट, ये शायद इसमें नेटवर्क नहीं है, इसके लिए लेफ्ट हो रहे ना, एक दो मिनट रुकिए, चलिए अभी दिख रहा है क्या, देखिए इन्वेस्टमेंट लिखा ना सबने, ओके अभी इन्वेस्टमेंट को स्टेटमेंट में लेके आइए, इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट में लेके आइए कितना है, 10,000, इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट में लिखिए 10,000। चलिए इन्वेस्टमेंट के बाद क्या लिखा है, लोन्स एंड एडवांसेस नहीं दिया है, ठीक है ना, डैश कर दीजिए, उसमें क्या करेंगे, डैश पुट वन डैश ओवर देयर। चलिए लोन्स एंड एडवांसेस के बाद इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का नंबर लिखिए 6, स्टेटमेंट में नंबर लिखिए 6, और शेड्यूल में बनाइए, शेड्यूल में हेडिंग लिखिए शेड्यूल नंबर 6,
इन्वेंट्रीज, शेड्यूल नंबर 6, इन्वेंट्रीज लिखा ना, ओके okay. अभी देखिए क्वेश्चन में जाके देखेंगे इन्वेंट्रीज में अपने पास इस बार लूज टूल्स भी दिया हुआ है, क्या दिया है, लूज टूल्स। ठीक है, देखिए लूज टूल्स का मतलब क्या होता है बताएं, अपने फैक्ट्री के अंदर जो पकड़ पाना हथौड़ी रखा रहता है ना उसी को लूज टूल्स बोलते हैं, सो दैट इज अवर इन्वेंटरी। ओके, ये नया आया है इसके लिए। ठीक है, लूज टूल्स कितना आएगा, 3000। लूज टूल्स इज हाउ मच, 3000 लिखा ना, हाँ आउटर कॉलम में, आउटर कॉलम में। चलिए अभी देखिए लूज टूल्स के बाद है ना अपने को क्लोजिंग स्टॉक लिखना है, क्या लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक अपने को एडजस्टमेंट में से मिलेगा, कहां से मिलेगा, एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में पॉइंट नंबर 1 में दिया है ना, स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2018 वॉज वैल्यूड एट कॉस्ट 20,000 एंड मार्केट वैल्यू 22,500, राइट। आप लोग ने 11th स्टैंडर्ड में सीखा होगा क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। तो इसमें दोनों में लेस कौन सा है बोलिए, 20,000। ठीक है, तो शेड्यूल में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना लिखेंगे, शेड्यूल में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना लिखेंगे, 20,000 लिखा। चलिए इसका टोटल कीजिए, अभी कितना होता है, इन्वेंट्री का टोटल कीजिए कितना होता है, 23,000। ओके, तो ये कहाँ जाएगा, अभी स्टेटमेंट में जाएगा ना, ये लिखा सब लोग ने शेड्यूल में लिखा है ना, हाँ तो अभी स्टेटमेंट में आ जाइए, स्टेटमेंट में लिखिए इन्वेंट्री, स्टेटमेंट में लिखिए इन्वेंट्री 23,000, डन। चलिए इन्वेंट्री के बाद नेक्स्ट क्या है, डेटर स्लैश बिल्स रिसीवेबल, उसको नंबर दीजिए 7। डेटर स्लैश बिल्स रिसीवेबल को नंबर कितना आएगा, 7। ओके, डेटर स्लैश बिल्स रिसीवेबल नोट नंबर 7 बनाइए, नोट नंबर 7। ओके, अभी देखिए इसमें क्वेश्चन में देखेंगे क्या आएगा, डेटस क्या आएगा, डेटस, डेटस कितना है, 20,000, और उस पर एक मार्किंग है ना, तो उसको इनर में लिखिए, डेटस 20,000 को इनर में लिखिए, डेटस 20,000 को इनर में लिखिए। ठीक है, इनर में क्यों लिखा है, क्योंकि इस पर एक एडजस्टमेंट है ना, एडजस्टमेंट देखते हैं क्या है, एडजस्टमेंट नंबर 4, एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या लिखा है, ₹225 रिटर्न ऑफ एस बैड डेब्ट्स फ्रॉम डेटर्स, तो माइनस करेंगे ना इसको, लेस न्यू बैड डेब्ट्स, लेस न्यू बैड डेब्ट्स कितना, 225। ठीक है, देखिए एडजस्टमेंट में जो बैड डेब्ट्स दिया रहता है ना उसको न्यू बैड डेब्ट्स बोलते हैं, और ट्रायल बैलेंस में जो दिया रहता है उसको क्या बोलते हैं, ओल्ड बैड डेब्ट्स। ओके, तो ये 20,000 में से 225 माइनस होगा तो कितना आएगा, 19775। ठीक है, चलिए अभी और कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में देखते हैं, बिल रिसीवेबल, हाँ ऊपर है, कितना है बिल रिसीवेबल, 4,000, तो लिखिए इसमें बिल रिसीवेबल 4,000, बिल रिसीवेबल 4,000। ओके, टोटल कीजिए इसका, 23,775। ठीक है ना, इसको कहाँ लिखना है बोलिए, स्टेटमेंट में लिखिए, स्टेटमेंट में 23,775। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा,
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शेड्यूल नंबर 8, शेड्यूल नंबर 8 लिखिए यहां पे, शेड्यूल नंबर 8 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चलिए क्वेश्चन में देखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या अवेलेबल है। कैश इन हैंड क्या अवेलेबल है, तो ये जाएगा ना शेड्यूल में। लिखिए कैश इन हैंड कितना, 5000, कैश इन हैंड 5000 और नहीं है ना। चलिए इसको लेके जाएगा ना शेड्यूल में, लिखिए शेड्यूल में 8 5000। ओके 8 में कितना लिखेंगे, 5000। टोटल अभी मत कीजिए, टोटल हम लोग बाद में करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट? यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट कंप्लीट हुआ, राइट? अभी अपने को क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जो पेज ब्लैंक रखा है ना, ठीक है, तो उसमें बनाइए स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फ्रॉम 1st April 2017 to 31st March 2018। ठीक है, कॉलम्स क्या क्या आएगा, पर्टिकुलर्स शेड्यूल एंड अमाउंट, पर्टिकुलर शेड्यूल एंड अमाउंट, राइट? सबसे पहला हेडिंग क्या है बोलिए इसका, इनकम। सबसे पहला हेडिंग क्या है, इनकम। इनकम का कीवर्ड याद है ना, अरे बोलिए, नो आइसक्रीम, नो आइसक्रीम, नो में एन से क्या है बोलिए, नेट टर्नओवर। खाली वो लिखिए हैं, बाकी का मत लिखना, बाकी सब हम लोग नंबर वगैरह बाद में लिखेंगे। नेट टर्नओवर, राइट? और ओ से अदर इनकम, और आई से इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टॉक। उसके बाद क्या लिखेंगे, टोटल, टोटल, इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टॉक टोटल, यहां तक हुआ। चलिए अभी एक मिनट देखिए, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, एक्सपेंसेस। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का कीवर्ड याद है ना, पा नहीं, पप्पा पी पी आना चाहिए, क्योंकि पा बोलेगे तो फिर पी ए हो जाएगा, पी है ना, पहले पी से क्या है बोलिए, परचेस मेड फॉर रीसेल। लिखिए पहला पी लिखिए, परचेस मेड फॉर रीसेल। दूसरा पी क्या है, पर्सनल एक्सपेंसेस, और ए क्या है, अरे ये क्या है बोलिए, हाँ लिखिए वो हेडिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। ठीक है ना, ये पीपीए यानी पप्पा हो गया ना। फिर आगे क्या है बोलिए, सीडीओ है ना, सीडीओ में एस से क्या है बोलिए, हाँ तो लिखने का वो सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस। फिर आई से क्या है बोलिए, हाँ आई से क्या है, इंश्योरेंस एक्सपेंस। लिखिए वो हेडिंग में लिखिए, इंश्योरेंस एक्सपेंस, लिखा ना। फिर डी से क्या है, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। आई से इंटरेस्ट, और ओ से
अदर एक्सपेंस, ओ से क्या है? अदर एक्सपेंस, ठीक है ना, पूरा वो लिखने का। चले लिखा ना पूरा, अदर एक्सपेंस तक लिखा सबने, ओके। शैल वी स्टार्ट नाउ? वही शेड्यूल को कंटिन्यू करना है, वही शेड्यूल को क्या करना है, कंटिन्यू, राइट। यहां तक अपना 8 तक हुआ था ना, ओके। अभी ये स्टेटमेंट में आइए, पहले स्टेटमेंट में क्या दिया है, इनकम में नेट टर्नओवर दिया ना, क्या दिया है, नेट टर्नओवर को नंबर दीजिए 9, नेट टर्नओवर को नंबर दीजिए 9, और शेड्यूल टू अकाउंट में बनाइए नेट टर्नओवर। शेड्यूल टू अकाउंट में क्या बनाएंगे, नेट टर्नओवर, राइट। क्वेश्चन में देखते हैं, नेट टर्नओवर में क्या दिया है, सेल्स, क्या दिया है, सेल्स, और इस बार कोई सेल्स रिटर्न वगैरह नहीं है, तो इसको डायरेक्टली कहाँ लिखेंगे, आउटर कॉलम में, कहाँ लिखेंगे, आउटर कॉलम में। तो इधर लिखिए शेड्यूल टू अकाउंट में सेल्स, सेल्स आउटर कॉलम में, सेल्स आउटर कॉलम में 1,65,000 लिखा ना। नेट टर्नओवर का मतलब सेल्स होता है, टर्नओवर मतलब जिसका आप बिजनेस करते हैं ना, ओके। अभी इसको स्टेटमेंट में लिखेंगे ना, नेट टर्नओवर शेड्यूल नंबर 9, 1,65,000, डन, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अदर इनकम, अदर इनकम का शेड्यूल नंबर 10, लिखिए उधर नंबर 10, नंबर 10 इधर लिखिए, शेड्यूल नंबर 10 अदर इनकम, शेड्यूल नंबर 10 अदर इनकम। चलिए क्वेश्चन में जाके देखेंगे, मेरे ख्याल से दो है ना, एक कमीशन मिला है वो है, और एक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, दोनों आउटर कॉलम में लिखना है। कमीशन कितना है, 2400, तो कमीशन लिखिए 2400, कमीशन 2400, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 3600, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3600, डन, ओके। चलिए टोटल कीजिए, अभी दोनों का कितना होता है, दोनों का टोटल कितना होता है, 6000, और टोटल करने के बाद क्या करना है, क्लियर है ना, ऊपर एक सिंगल लाइन और नीचे डबल लाइन, ऊपर सिंगल लाइन और नीचे डबल लाइन, इसको ट्रांसफर करेंगे, स्टेटमेंट में ट्रांसफर करेंगे ना, 10 नंबर कितना आया, 6000, कितना आया, एनी डाउट, हाँ, अदर इनकम तक हुआ ना। चलिए इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टॉक का नंबर क्या आएगा, 11, क्या नंबर आएगा, 11, लिखिए यहाँ पे 11 नंबर, इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टॉक, ठीक है। अभी इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। देखिए हम लोग जब कंपनी फाइनल अकाउंट सॉल्व करते थे ना, तो उसको ओपनिंग माइनस क्लोजिंग लिखते थे, क्या लिखते थे, क्यों लिखते थे मालूम है, क्योंकि उस केस में है ना, हम लोग उसको एक्सपेंस वाले हेड में दिखा रहे थे, कहाँ पे दिखा रहे थे, एक्सपेंस वाले हेड में, इसमें हम लोग अभी एक्सपेंस वाले हेड में नहीं दिखा रहे ना, कहाँ पे दिखा रहे, इनकम वाले हेड में दिखा रहे ना, इसके लिए उसको क्या लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, राइट। क्लोजिंग स्टॉक हम लोग को एडजस्टमेंट में से लिया था ना, हमने कितना था बोलिए, यहाँ से लिया था ना क्लोजिंग स्टॉक, कितना था, 20,000, कितना था, 20, तो क्लोजिंग स्टॉक को इनर कॉलम में लिखिए पहले 20, क्लोजिंग स्टॉक को इनर कॉलम में 20, राइट। और ओपनिंग स्टॉक अपने को ट्रायल बैलेंस से मिलेगा, कितना है ओपनिंग स्टॉक, 17,500, तो 17,500 माइनस कीजिए, कितना आंसर आएगा, 2,500, ठीक है। ये 2,500 कहाँ जाएगा बोलिए, स्टेटमेंट में लिख दीजिए, स्टेटमेंट में 2,500, ठीक है।
टोटल छोड़ दीजिए, टोटल हम लोग है ना सब एक साथ टोटल बाद में करेंगे, ठीक है? एनी डाउट? इनकम वाला पार्ट क्लियर है सबको? नाउ शैल वी स्टार्ट विद एक्सपेंस? ओके, अभी एक्सपेंस में ना आपको केयरफुल रहना है, कुछ हेड्स के एक्सपेंस है ना नहीं दिए रहते हैं, राइट? तो ये परचेज, पर्सोनल, दो तीन कंपलसरी, एडमिनिस्ट्रेटिव भी रहता है, राइट? तो सबसे पहला क्या है, पहला पी क्या है, परचेज मेड फॉर रीसेल, परचेज मेड फॉर रीसेल। शेड्यूल नंबर क्या आएगा? 12 लिखिए, शेड्यूल नंबर 12, और यहाँ पे बनाइए शेड्यूल नंबर 12, परचेज मेड फॉर रीसेल, ठीक है? चलिए क्वेश्चन में देखेंगे, परचेज दिया है ना, लेकिन उस पर एक मार्किंग है ना, तो कौन से कॉलम में लिखेंगे? इनर कॉलम में लिखिए, इनर कॉलम में 112,600, ठीक है? इसमें से क्या माइनस करना है, देखिए अपने को ये गुड्स विड्रॉन वाला जो एडजस्टमेंट दिया है ना, उतना अपना परचेस कम होगा ना। गुड्स जगन एज विड्रॉन गुड्स वर्थ रुपीज 600, तो यहाँ पे लिखने का लेस गुड्स विड्रॉन बाय जगन, लेस गुड्स विड्रॉन बाय जगन, लेस गुड्स विड्रॉन बाय जगन, ठीक है? इसको लिखेंगे स्टेटमेंट में 1,12,000, 1,12,000, ओके। चलिए नेक्स्ट क्या है, पर्सोनल एक्सपेंस, पर्सोनल एक्सपेंस का शेड्यूल नंबर 13, शेड्यूल नंबर 13, पर्सोनल एक्सपेंस, ठीक है? अभी देखिए पर्सोनल एक्सपेंस में सबसे पहले क्या दिया है, सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड मार्किंग है ना उस पे, अरे सैलरी एंड वेजेस पे मार्किंग है ना, कहां पे लिखेंगे? इनर में लिखिए, सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस इनर कॉलम में लिखे ना, कितना? 4,600, और उसका एडजस्टमेंट भी देख लेते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 5 है ना, एडजस्टमेंट नंबर 5, कितना आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग ऐड होता है ना, तो ऐड आउटस्टैंडिंग 400, ऐड आउटस्टैंडिंग 400, आउटर कॉलम में 5,000, आउटर कॉलम में 5,000। चलिए और देखिए कि क्या मार्क किया अपने पर्सनल में, प्रोडक्टिव वेजेस, क्या मार्क किया है, प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस पे कोई डॉट है क्या? नहीं है ना, तो इसको डायरेक्टली कहाँ लिखेंगे? आउटर में, प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस कितना है? 7, प्रोडक्टिव वेजेस 7। चलिए और देखिए क्वेश्चन में, पर्सोनल में क्या मार्किंग किया है, और वर्क्स मैनेजर सैलरी लिखेंगे ना, वर्क्स मैनेजर सैलरी कितना है, वर्क्स मैनेजर सैलरी 3,000, ओके। टोटल कीजिए कितना होता है, 10 नहीं ना, 3 है ना, 15 होता ना, टोटल करने के बाद ऊपर सिंगल लाइन और नीचे डबल लाइन। चलिए ये 15,000 कहाँ जाएगा बोलिए, स्टेटमेंट में, अरे वो टेलीविजन से फोन से कंफर्टेबली हो रहा है ना, चलिए शैल वी प्रोसीड फर्दर, नेक्स्ट क्या है,
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, शेड्यूल नंबर 14, शेड्यूल नंबर 14, लिखिए हेडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। क्वेश्चन में देखेंगे ना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सबसे पहला ऑफिस एक्सपेंस है ना, मार्किंग है क्या उस पर, कोई नहीं है ना, तो कहाँ जाएगा बोलिए, आउटर ऑफिस एक्सपेंस 4300, ऑफिस एक्सपेंस 4300, ठीक है, लिखा ऑफिस एक्सपेंस लिखा सबने। फिर से क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्या है बोलिए, लीगल एक्सपेंस कितना है, लीगल एक्सपेंस 1500, उस पर कोई मार्किंग है क्या, नहीं है ना, तो कहाँ जाएगा वो, आउटर में, कहाँ जाएगा, आउटर में, और मेरे ख्याल से दो ही है, ठीक है ना, टोटल कीजिए कितना आ रहा है 5800, टोटल करने के बाद ऊपर सिंगल लाइन और नीचे डबल लाइन, ठीक है, इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे बोलिए, शेड्यूल में या स्टेटमेंट में, सॉरी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना आया 5800। चलिए नेक्स्ट क्या है, सेलिंग एक्सपेंस, नेक्स्ट क्या है, सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस दिया है ना क्वेश्चन में, बनाइए नेक्स्ट शेड्यूल सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, ठीक है। अभी देखिए सेलिंग एक्सपेंस में क्या मार्क किया है, सबसे पहले कमीशन, कमीशन लिखिए कितना है 1500, कमीशन 1500 आउटर कॉलम में, 1500 आउटर कॉलम में, ठीक है। उसके बाद बैड डेब्ट्स है ना, अभी ये जो ट्रायल बैलेंस वाला बैड डेब्ट्स है इसको क्या बोलते हैं, ओल्ड बैड डेब्ट्स, क्या बोलते हैं, ओल्ड बैड डेब्ट्स, तो इसको इनर कॉलम में लिखो, ओल्ड बैड डेब्ट्स इनर कॉलम में लिखिए, ओल्ड बैड डेब्ट्स, ओके, ओल्ड बैड डेब्ट्स में क्या ऐड होता है, न्यू बैड डेब्ट्स, क्या ऐड होता है, डेटर्स में माइनस करते एक इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में आता है ना, तो ये दूसरा इफेक्ट हम लोग कर रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए, हाँ तो दोनों साइड है ना, कमीशन हम लोग मिल भी सकता है और दे भी सकते हैं, तो दोनों किया है, क्रेडिट साइड में जो है वो अपने को मिला है और डेबिट साइड वाला जो है वो हमने पे किया है, ठीक है। चलिए अभी ये न्यू बैड डेब्ट्स अपने को एडजस्टमेंट से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, एडजस्टमेंट में, कितना है 225 है ना, तो वो इधर ऐड कर दो, ऐड न्यू बैड डेब्ट्स 225, तो आउटर कॉलम में कितना आएगा 725, टोटल करो दोनों का, टोटल कीजिए 2225, किया ना टोटल, कहाँ जाएगा बोलिए, ये स्टेटमेंट में, लिखिए स्टेटमेंट में, ठीक है 2225, ठीक है। अभी सेलिंग एक्सपेंस के बाद क्या है, लेकिन इंश्योरेंस क्वेश्चन में दिया नहीं है ना, तो उसका शेड्यूल बनाने का नहीं, डैश कर दीजिए उधर, वो नंबर के शेड्यूल के उधर डैश कर दीजिए, चलेगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्या है बोलिए, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, तो डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन का कौन सा शेड्यूल बनेगा, शेड्यूल नंबर 16, यहाँ पे लिखिए शेड्यूल नंबर 16, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, ओके। अभी हम लोग ने ये नेट फिक्स एसेट्स का शेड्यूल बनाया ना, देखिए ऊपर यहाँ पे, यहाँ से डेप्रिसिएशन लेने का, अभी एक पे ही है ना खाली, किस पे बोलिए, लैंड एंड बिल्डिंग पे, तो यही डेप्रिसिएशन यहाँ पे आएगा, क्या लिखने का, डेप्रिसिएशन ऑन, एक मिनट में लेके आ रहा हूँ, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कितना 1875, इसको कहाँ लेके जाने का, स्टेटमेंट में, लिखा स्टेटमेंट में,
ओके okay. उसके बाद आई से क्या है, इंटरेस्ट दिया नहीं है, अदर एक्सपेंस भी दिया नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से शेड्यूल कंप्लीट हो गया। हाँ वो हम लोग बाद में आएंगे, पहले अभी टोटलिंग करके प्रॉफिट निकाल लेते हैं, टोटलिंग करके प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ओके इनकम का टोटल कीजिए कितना आ रहा है, 1 लाख, लिख दीजिए 1,73,500। टोटल करेंगे तो ऊपर सिंगल लाइन और नीचे डबल लाइन, जल्दी कीजिए। एक मिनट, इनकम का टोटल हो गया ना, इसी तरीके से किसका टोटल करेंगे अभी, एक्सपेंस का कितना हो रहा है, एक्सपेंस का टोटल बोलिए 1,36,900 हो रहा है ना। अच्छा अभी क्या करना है पता है, ये इनकम में से ना एक्सपेंस को माइनस कीजिए। इनकम कितना है, इनकम कितना है कैलकुलेटर में लीजिए पहले, 1,73,500 है ना, और एक्सपेंस कितना है, कितना आंसर आया, उसको बोलते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। क्या बोलते हैं उसको, प्रॉफिट ट्रांसफर टू, पहले टोटल लिखिए, टोटल इसमें देखिए आपकी इसमें स्क्रीन पे भी दिखता होगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स, ठीक है। उसको नंबर दे दीजिए 3, मतलब ये पहला इनकम था ना हेडिंग, दूसरा एक्सपेंस था, तीसरा हेडिंग क्या आएगा मेरा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स, इसी इसी हाँ इसके जो आंसर आया ना, ठीक है। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स के लिए एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, दैट इज शेड्यूल नंबर 17। ओके लिखिए शेड्यूल नंबर 17, लिखिए शेड्यूल नंबर 17, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स, शेड्यूल नंबर 17, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। पहला पार्टनर कौन है, जगन, जगन है ना, तो लिखिए उसमें जगन, दिख रहा है ना आपको आपके स्क्रीन पे, जगन ब्रैकेट में कितना प्रॉफिट आया, 36,600 मल्टीप्लाई बाय 3:2 है ना रेशियो, हम लोग ने निकाला था ना रेशियो, तो 3:2 मतलब 3/5 21,960, ठीक है। वैसे ही मगन का भी कैलकुलेट कीजिए, मगन का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 36,600 इंटू 2/5 कितना आ रहा है, 14,640। ये दोनों का टोटल कर लीजिए पहले, 36,600 ही आ रहा है ना। ओके अभी ये यहाँ तक हो गया सबका, हाँ ये प्रॉफिट को ट्रांसफर करना पड़ेगा ना, कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पहला जो नोट है ना, पहला शेड्यूल कंट्रीब्यूशन, कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में लिखिए ऐड नेट प्रॉफिट, ऐड नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट बोलिए मुझे जरा, 21 ओ माय गॉड, हाँ एक मिनट, एक्चुअली ये मेरा स्क्रीन ही गायब हो गया ना इसके लिए, 21 कितना आएगा नेट प्रॉफिट बोलिए, पहले का 21,960 ना, दूसरे वाले का, हाँ 14,640, दोनों का लिख दीजिए, पहले नेट प्रॉफिट, पहले वाले का 21,960 और दूसरे वाले का 14,640 लिखा ना। चलिए अभी इसका फाइनल आंसर निकालिए कितना आता है, 30,000 प्लस 21,960 माइनस 600 51,000, ये इसका इसका अलग अलग निकालने का, दो पार्टनर है ना, पहले वाले का कितना आया 51,360, अभी दूसरे वाले का निकालेंगे 34,640,
टोटल कीजिए दोनों का 86, कितना आया 86, ये 86 कहाँ जाएगा बोलिए, स्टेटमेंट में जाएगा ना। कंट्रीब्यूशन कितना है बोलिए, 86 लिखिए, लिखा 86। चलिए अभी टोटल कीजिए इसका, एक लाख एक हजार चार सौ, ठीक है। अच्छा अभी देखिए एसेट का टोटल करते वक्त केयरफुल रहिए, आपको पूरा टोटल नहीं करना है, कहाँ से करना है नेट फिक्स एसेट से, कहाँ से करना है नेट फिक्स्ड एसेट से, नेट फिक्स्ड एसेट से। ठीक है टैली हो रहा है।